गाइस, मैं हूं सुजाता और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने क्रायलॉन मेकअप का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें आप सबको मैं क्रायलॉन बेस कैसे लगाते हैं उसका डेमो दूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रायलॉन सुप्रा कलर के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको डेमो देके दिखाऊंगी कैसे हम इस प्रोफेशनल बेस को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह हम इस बेस की सहायता से अपने फेस के सारे ग्रेमिसेस को और एक्ने स्कार्स को, अनइवननेस को, डार्क सर्कल्स वगैरह को हाइड कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे किस तरह से हम इस प्रोफेशनल बेस को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे इसमें सिर्फ बेस अप्लाई करने का डेमो देना था, इसलिए मैंने आई मेकअप और लिप मेकअप पहले से कर रखा और मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। और उसके बाद मैं अभी प्राइमर यूज कर लूंगी जो कि लेवल का प्राइमर है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि प्राइमर हमारे स्किन को फिनिश लुक देता है और हमारे फेस को अच्छे से स्प्रेड होने में हेल्प करता है, इसीलिए हम सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं। मैंने अपने फेस पे अब प्राइमर अच्छे से लगा लिया है और मैं 2-3 मिनट का वेट करूंगी ताकि मेरी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और उसके बाद से मैं अपना बेस सेट करूंगी। और बेस के स्टार्टिंग में आपको बता दूं, सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का न्यूट्रलाइजर यूज करूंगी ताकि मैं अपने स्किन के जो रेड कलर के जो स्पॉट्स है उनको हाइड कर सकूं। रेड कलर के स्पॉट्स मतलब पिंपल के, एक्ने के, जैक्टिक एक्ने के स्पॉट्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, उनको कट करने के लिए हम ग्रीन कलर के न्यूट्रलाइजर का यूज करते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और उसी न्यूट्रलाइजर का यूज करके मैं अपने स्किन से जो यहाँ पे मुझे रेड कलर का एक्ने अभी हो रहा है और चाहे कुछ जगह और है उन्हें मैं हाइड करके आप सबको दिखाऊंगी। और बाकी ब्राउन कलर के, लाइट ब्राउन कलर के और डार्क ब्राउन कलर के जितने भी ये स्पॉट्स हैं और ब्लेमिशेस हैं उनको मैं ऑरेंज करेक्टर की सहायता से न्यूट्रलाइज करूंगी, ऑरेंज कलर की सहायता से उसे हाइड करूंगी मैं। और उस इन दोनों को सेट करने के बाद ही मैं अपना बेस सेट करूंगी जो कि मेरा बेस का नंबर है F28। हर स्किन के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा बेस जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने स्किन के लिए बेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग 2 मिनट हो गए हैं और मेरे फेस पे ये प्राइमर सेट हो चुका है और अब मैं ग्रीन कलर के न्यूट्रलाइजर से स्टार्ट करूंगी। ये है वो ग्रीन कलर का न्यूट्रलाइजर। हम न्यूट्रलाइजर को ज्यादा नहीं लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का हल्का लगाएंगे। मैं इसे अपने रेड कलर के स्पॉट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। अब इसको मैं डैब स्पंज की सहायता से सेट करूंगी। अब उसके बाद मैं ऑरेंज करेक्टर यूज करूंगी और ऑरेंज करेक्टर की सहायता से मैं अपने डार्क सर्कल्स को, डार्क ब्राउन ब्लेमिशेस वगैरह को हाइड करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने स्किन पे ऑरेंज करेक्टर लगाकर अप्लाई कर लिया है। धीरे धीरे ये मेरे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा और सेट हो जाएगा और इसके ऊपर अब मैं बेस यूज करूंगी। अब ये है F28 जो अपने स्किन पे मैं अप्लाई करूंगी एज अ बेस।
जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों, मैंने अपने स्किन पे बेस को सेट कर लिया है। बेस सेट होने के बाद मैं बफरिंग ब्रश की सहायता से फेस को बफर कर लूंगी। इसके बाद मैं एनजी टू की सहायता से अपने स्किन को कंट्रोल करूंगी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा ये बेस सेट हो चुका है। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।